हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो चार्जिंग डॉक इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, ये लेट प्रो कंपनी की तरफ से ऑलरेडी मैं इसका एक वेरिएंट पिछले 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मेरा मतलब क्वालिटी लगा। अभी दूसरा टाइप का एक मॉडल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये 900 से लेके इनका 1200 तक की इसका दाम है, मतलब ओला का लेने से आपको 2400 है। लेकिन ये काफ़ी सस्ता में आपको घर में कहीं भी फिक्स कर सकते हो। और मटेरियल क्वालिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं पिछले 7 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, कहीं से भी ब्रेक कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। ये 3D प्रिंटिंग का इसी में इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये लेट प्रो कंपनी का। मैं नीचे परचेजिंग लिंक दे सकता हूँ। पिछले जो बैच था, जब नया नए में काफ़ी आदमी परचेज किया चीप एंड बेस्ट में। इसमें अलग अलग कलर्स भी है, आपको वाइट और ग्रे ऐसा कुछ कलर्स मिल जाएगा। मटेरियल क्वालिटी पहले वाला से काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले वाले भी काफ़ी अच्छा था। थिकनेस मटेरियल है, कहीं से ऐसा नहीं लगता है बेंड हो जाएगा करके। जो गन रखने का इसमें एक ब्रैकेट भी दिया हुआ है, इसमें आप दोनों भी परचेज कर सकते हैं, अलग अलग रेंज है। जो पहले वाला मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, ये मैं 7 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कहीं से भी टूटा ऐसा कहीं कलर फेड हो गया इस तरह कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी अच्छा मटेरियल क्वालिटी है। मैं एक्चुअली 4 स्क्रू दिया था, मैं 3 स्क्रू के ऊपर ही उसमें पिछले वाला इंस्टॉल किया था। वही स्क्रू खोल के इसको दोबारा एक लगा के अभी नया वाला मैं दिखाऊंगा आपको। काफ़ी आदमी पूछ रहा था सर ये प्लग कौन सी होना चाहिए, वीडियो लास्ट में वो भी दिखाऊंगा। ये मतलब हमको नॉर्मल प्लग है, ये 15 एम सॉकेट है, और अर्थ कैसा दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी करंट हो जाता है, यदि आपको कहीं बाहर जाना हो तो उसको लेके जा सकते हैं चार्जर, अदरवाइज चार्जर के एक जगह फिक्स करने से ज़्यादा खराब होने का रिपेयर होने का नौबत नहीं आता है। ये साइड में जो दिया है उनका व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से संपर्क करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अभी न्यू वाला एक बार मैं असेंबल कर देते हैं। वो पहले वाला जो होल से इसमें करेक्ट मैचिंग आ गया, एक्यूरेट है, डिजाइन वही सब दिया हुआ, लेकिन अलग से एक डॉग का गन लगाने के लिए एक एडिशनल अटैचमेंट दिया हुआ है। इसको फटाफट फिट करके फिर मैं आपको एक बार कैसे हैंग होता है उसका चार्जर मैं दिखाऊंगा आपको। मैं उस टाइम इसमें स्टेनलेस स्क्रूज लगाया था, शायद ये 10 रुपये का 3-4 दिया था। अभी पूरा फिट कर दिया, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक स्क्रू लगाना था, फिर बाद में लगाऊंगा। मैं आपको पहले एक डेमो दिखा देते हैं। टाइट भी नहीं, हल्का सा लूज रहेगा ताकि आपका निकालने और रखने में आसान रहेगा। ये अच्छा लगा मेरे को, इसमें डायरेक्ट गन को लगा के लॉक हो जाता है। काफ़ी अच्छा इनोवेशन किया हुआ है। क्लिप दबा के भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे पुश करने से भी हो जाता है। एक बार इसका कैप लगा के देखते हैं अंदर घुसता है क्या, नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर कैप दिया हुआ है, ऊपर से पूरा सील्ड है। काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद देखते हैं एक बार चार्जिंग करके आपको दिखाऊंगा। आज इसका वाटर सर्विसिंग वीडियो भी मैं अपलोड किया हूँ, यदि इंटरेस्ट है तो वो नीचे से लिंक दूंगा, देख सकते हैं। मैं हमेशा सेलर में चार्ज करता हूँ, कभी कभी कम होने से मैं ऑफिस में चार्ज करता हूँ। चार्जिंग शुरू हो गया है, 67%। आज मैं बुलेट लेके गया, 1 महीना हो गया बोल के, सुबह भी 67% था। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। अभी एक बार आपको ये 3-पिन प्लग है, 15 एम सॉकेट है ये, लेकिन हमको छोटा पिन लग जाता है, बड़ा पिन भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम 15 एम सॉकेट में 3-पिन प्लग लेने से आपको चार्जिंग के जो भी है अच्छा चार्ज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पर अर्थिंग दिया हुआ है, जब मकान बनाया तो उसी टाइम पूरा जो स्विचेस का अर्थिंग यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आपके पास अर्थिंग नहीं है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा गड्ढा बना के उसमें पाइप लगा दो, अर्थिंग हो जाता है, नहीं होने से भी चलता है।
चलिए, एक छोटा सा वीडियो तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी।